नमस्कार दोस्तों, उन सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। आज के दिन इसमें जो है बहुत ही अच्छा अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे जो 15% तक का ना इथेनॉल प्रोडक्शन का जो टारगेट था वो मार्च के महीने में एक तरह से अचीव हो चुका है। और अभी इनका कहना है कि मिनिस्टर्स का 2025 तक ना ये 15% से जंप कराकर हमको इसको 20% तक का लेके जाना है, जिस वजह से ना स्टॉक में इनके जो स्टॉक होते हैं इथेनॉल रिलेटेड स्टॉक, बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया, रेणुका शुगर हो गया, ये सभी स्टॉक में शानदार रैली देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए इलेक्शन के बाद में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और हम लगातार आपको बता रहे थे इलेक्शन तक थोड़ा डाउट है, गिरावट रहता रहेगा, मगर इलेक्शन के बाद में शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए 30 रुपये का इसने बेस बनाया और उसके बाद में जो है 30 से कंटिन्यू भागा और 42 रुपीज़ तक अपसाइड चला गया, 42-45 तक का। तो अभी थोड़ा सा आपको 3-4 रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। और आज के दिन भी जो है शुगर इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दी, जैसे सिम्बोनी शुगर है उसमें भी 2.5% का अपसाइड रहा, मगर शुगर भी जो है 1.5% का अपसाइड रहा। तो कुछ स्टॉक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि पहले से वो करेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मजबूत सपोर्ट जो रहेगा 40 रुपीज़ का रहेगा। मार्केट क्लोज किया 41.15 का, पहला फोकस पहला टारगेट 45, दूसरा टारगेट जो रहेगा 50 रुपीज़ तक का अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। और अभी बजट भी आने वाला है जिसमें इथेनॉल को लेकर भी बात होने वाली है और इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बात होगी, साथ साथ में MSP पिक के लेकर भी बात होगी। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमको आने वाले दिनों में अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।